नमस्कार, मेरा नाम है लवकुश यादव। अभी मैं मौजूद हूँ वाराणसी में और वाराणसी में लगातार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा हो रही है, रोड शो हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की रोड शो हुआ और अभी अस्सी घाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं और थोड़ी देर पहले आरती समाप्त हुई। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है वाराणसी के इस बार चुनाव के मुद्दे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल कुमार चौरसिया, यहीं के रहने वाले हैं जी, बनारस के रहने वाले हैं हम। अच्छा, बनारस में क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव के? मुद्दा कोई नहीं है, बस एक ही नारा है, इस बार 400 पार 10 लाख पार। यहाँ वाराणसी में मोदी जी कितना पार करने वाले हैं? कम से कम 10 लाख वोटों से हम लोग उनको विजयी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। लेकिन एक तरफ इंडिया अलायंस जो है वो कह रहा है कि अब की बार बीजेपी को हम शिकस्त देंगे, अखिलेश यादव 80-80 जीतने का दावा कर रहे हैं। वो सब सिर्फ जुमलेबाजी है, वो खुद जानते हैं कि हमको कितनी सीट मिल रही है। अभी उनका यहाँ पे रैली था, भीड़ के नाम पे बहुत कम भीड़ था। हमको लग रहा है कि उनको सिर्फ पैसा रुपया दे के उनको भीड़ एकत्रित किया गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, ये अपने जमानत तक नहीं बचा पाएंगे, इस बात हम सत्य है या लिखित है। तो क्या लगता है जो वाराणसी में अजय राय जी हैं फिर तीसरी बार जमानत जब्त कराने जा रहे हैं? अरे अजय राय जी जब अपना विधायक ही नहीं बचा पाए तो सांसद ही क्या जीतेंगे वो? हाँ, अजय राय की स्थिति बहुत ख़राब है, वह यह जानते हैं कि मैं नहीं जीतूंगा, मगर वो ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी को भाई कुछ सोच रहे हैं कि हम उनका जो वोट काटेंगे तो उनका जो 10 लाख वोट है वो उनको कम मिलेगा। जब पिछली बार समाजवादी पार्टियां दूसरे स्थान पर थी, अब की बार अलायंस है, तो वोट तो बढ़ेगा ना उनका? धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व था वो ख़त्म हो रहा है, बीजेपी भारत का बीजेपी सपा के जो जित कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया है। सपा, कांग्रेस और सब अन्य दल के जो कार्यकर्ता थे वो भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं आए दिन, वह देख के ये लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? सिंह नरोत्तमपुर, बनारस के रहने वाले। बनारस के रहने। क्या माहौल है अंकल इस बार, क्या लगता है? इस बार का मूड भी पूरा मोदीमय है। मोदीमय है? हाँ जी। लेकिन एक तरफ देखिए आप, इंडिया अलायंस है, हाँ, उसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं। हाँ। या आप आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और समाजवादी पार्टी यहाँ दूसरे स्थान पर रही है पिछले चुनाव में, तो आपकी बार मुकाबला कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, मुकाबला एकदम बिल्कुल एक तरफा है। नरेंद्र मोदी जी कम से कम 8 लाख वोट प्राप्त करने जा रहे हैं बनारस से। आपकी बार जी, आपकी बार, अगली बार उन्होंने 6 लाख प्लस पाया था और इस बार वो समथिंग 8 लाख या 10-5 हज़ार से कम या 10-5 हज़ार बेसी। अभी योगी जी कह रहे हैं 2014 के पहले का काशी देखिए और अभी का काशी देखिए, आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन? सच बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2014 के शासन को देख लीजिए और आज के शासन को देख लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ को देख लीजिए, राजनीति को देख लीजिए। आज देश का बच्चा बच्चा बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि मैं भारत का वासी हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो झटाझट गरीबी दूर करें। ये तो कोरा बकवास लगता है, क्योंकि उन्होंने छुपे रुस्तम के रूप में मनमोहन जी की सरकार को चलाए हैं और भ्रष्टता के अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार क्या इंडिया का गठबंधन क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी? इंडिया इंडिया एनडीए एनडीए देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद थी अगर ये चुनाव 15 अप्रैल के पहले करा लिए गए होते तो एनडीए 400 प्लस अच्छे खासे वोटों से जाती, लेकिन थोड़ी माइनस को लेकर के फिर भी एनडीए लगभग 350-400 सीटें पा रही है। 350 जी, धन्यवाद। क्या लगता है अंकल, 350-400 की बार पाएगी एनडीए? ये सरासर इनका अनुभव जो बता रहा है गलत बता रहा है, ये अपना अनुमान बता रहे हैं लोग, ये विपक्षियों की भीड़ को देख के बता रहे हैं कि ये सिमट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कभी कभी भीड़ जो है आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भीड़ में इतनी भीड़ हो रही है इंडिया वालों की कि वहाँ मारा मारी लाठी लाठा चल रहा है और यहाँ तक कि पत्थरबाजी हो रहा है। तो ये क्या है, ये मोदी जी क्या लगता है वाराणसी में उनका कोई कंपटीशन है या एक तरफा है? ये कंपटीशन में है ही नहीं है, सब खाली खाली आपकी, हाँ अब 400 के पार हैं। हाँ, 400 के पार में एक हो, दो हो, चार हो, ये हो सकता है। मोदी जी का है
अच्छा हाँ, मोदी जी 400 पार कर लेंगे, पार कर जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मुकुंद लाल, यही के रहने वाले हैं। हाँ, तो लोग बता रहे हैं कि वाराणसी में एक तरफा है, मोदी जी जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? जीत रहे हैं, जीत जाएंगे, हाँ जीत जाएंगे। 10 सालों में विकास हुआ है? हाँ पूरा विकास, सही सही बताइए, सही एकदम है। हम तो देख रहे थे जाम लगा था रोड पर, अरे वो जाम रैलियाँ बहुत हो रही है ना, रैलियों के बिना भी तो जाम लगता है। नहीं लगता है, जैसे कुछ लाइन मतलब गड़बड़ जैसे कट बना है वो कट मतलब उठाते वो जाम लग जाता है। यहाँ पर हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं सबका एक ही कहना है कि मोदी जी का कोई कंपटीशन नहीं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया अलायंस यहाँ पर साफ है। लेकिन हम गए थे रैलियों में और लगातार देख रहे हैं मुकाबला ऐसा लगता है होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस में है और यहाँ पर लगभग 14% यादव हैं, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ आने वाले हैं और जितने भी मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं लगभग यहाँ पर आके मोदी जी के लिए वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन हाई हो जाता है थोड़ा सा। और भी हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं कि हमारे पीछे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो अभी भी भाषण दे रहे हैं, थोड़ी देर पहले आए हैं, 80 घाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आरती हो रही थी, आरती के बाद उनका भाषण शुरू हुआ है, अभी चल ही रहा है। युवा भी हैं, कहाँ से हैं भैया? मैं BHU से हूँ, यहीं के रहने वाले हैं। बाहर के? बाहर के रहने वाले, बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप जी? लगता है कि इस बार महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? देखने से होता लगता नहीं है, क्योंकि पूरा मुद्दा धार्मिक पे चल रही है अभी। इंडिया अलायंस को कुछ मजबूत देखते हैं? सॉरी फिर से, इंडिया अलायंस जो है जिसमें राहुल गांधी अखिलेश यादव जी शामिल हैं, तेजस्वी यादव भी आपके यहाँ के हैं, मजबूती उसमें दिख रही है? मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे पूरे दबदबा भाजपा अपनी बनाई हुई है, और वो पिछले वर्ष की तरह इस बार और अपनी स्थिति मजबूत करने में लग रही है। आप देख सकते हैं कि आज अजय राय जी की भी रैली थी, प्रियंका गांधी, हाँ हाँ, और ऊपर से इधर योगी जी आए हैं, तो कहीं 80 घाट पे तो पहले से ही आरती होती आई है, तो भीड़ तो वैसे ही भीड़ आ रही थी, लेकिन सभी को पता था कि आज योगी जी आ रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ कमी हो रही थी यानी कि आज रैली में जो आदमी था उसको कम करने के लिए या अपने फिर आदमी को रुझान करने के लिए आज योगी जी खुद यहाँ पे आए थे, ताकि जनता जागरूक हो। और नहीं लग रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता घटी है जी? सभी चीज़ों का उदय होता है, सभी चीज़ों का अस्त होता है, जो चीज़ आती है फिर एक चीज़ दिन एक दिन जाती है। तो जो शुरू में आदमी का यंग जनरेशन होता है, यंग ब्लड होता है, वो हमेशा नहीं रहता है, वो धीरे धीरे गिरता है। उसी तरह जब शुरू में मोदी जी आए थे तो उनका बहुत लोकप्रियता थी, धीरे धीरे उनकी घटी है, लेकिन फिर भी अभी उतनी बनी हुई कि मैं यहाँ का ना होते हुए भी मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ बहुत गहराई से, कि अभी भी बहुत मतलब पड़ला भाल रही है बीजेपी की। युवाओं का क्या मुद्दा होने वाला है जी? के लिए क्या मंदिर या रोजगार? मैं ना मंदिर की बात करूँ ना रोजगार की, युवाओं के लिए सबसे बड़ी शिक्षा की जरूरत है, कि जो पहले BHU था वो BHU अभी वैसे नहीं है, क्योंकि जो पहले शिक्षा प्राप्त होती थी वैसी शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले शिक्षा के माध्यम, क्योंकि यदि शिक्षा से होगा ना तो मंदिर मस्जिद इंफ्रास्ट्रक्चर खुद अपने आप बना लेगा, हम बना लेंगे आप बना लेंगे, तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें कहे थे, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज उसमें 5 चीज़ें जोड़ी गई, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य। सबसे पहले 5 चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए, उसके बाद सड़क बिजली लाइन एयरवे एयरपोर्ट जो आती है इसके बाद आती है सारी चीज़ें में। धन्यवाद आपका। BHU के पढ़ने वाले हैं और बिहार से आए हैं, बता रहे हैं कि अभी शिक्षा और रोजगार कपड़ा मकान ये सब अहम मुद्दे होंगे, तो आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि युवाओं के मन में क्या है और वाराणसी के मन में क्या है, या तो वाराणसी की जनता ही बताएगी। धन्यवाद।